हेलो एवरीवन, वेलकम टू भारतीय फूड। तो आज की ये जो रेसिपी है वो है नवरात्रि स्पेशल साबूदाना खीर। तो इस नवरात्रि की जो शुरुआत है वो हम इस मीठे से करेंगे। सो लेट गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले कढ़ाई में लूंगी 1/2 लीटर दूध। दूध ऐड करने के तुरंत बाद ही हम इसे स्टर कर देंगे ताकि ये जो दूध है वो तले में ना लगे। दूध गर्म हो चुका है तो अब इसमें ऐड करूंगी 1/2 कप भिगोया हुआ साबूदाना। इसे मैंने 1 घंटे तक भिगो के रखा था। साबूदाना दूध में जाते ही ट्रांसपेरेंट होना शुरू हो जाता है, तो इसी वजह से हमें इसे ज़्यादा पकाना नहीं पड़ता है। बादाम, आप चाहो तो कोई और ड्राई फ्रूट भी यूज़ कर सकते हो इसमें। किशमिश, इन सबको अच्छे से मिला देंगे। पांच से छह इलायची, आप चाहो तो इलायची का पाउडर भी इसमें ऐड कर सकते हो। चीनी 5 चम्मच, मैं इसमें 5 चम्मच चीनी ऐड कर रही हूँ। आप चाहो तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा चीनी ऐड कर सकते हो। साबूदाना खीर को ट्रांसपेरेंट होने तक ही पकाना होता है। ट्रांसपेरेंट हो गई मतलब आपकी खीर रेडी हो चुकी है। कढ़े के साइड में जो आपको ये दूध की मलाई दिख रही है वो भी हम जो है स्पून के हेल्प से निकाल लेंगे ताकि हमारी ये जो खीर है और भी ज़्यादा मलाईदार और डिलीशियस बन जाएगी। तो ये हमारी सुपर डिलीशियस साबूदाना खीर बनकर रेडी हो चुकी है। ठंडी होने के बाद ये खीर जो है और भी ज़्यादा ठीक हो जाती है, तो ये वाली कंसिस्टेंसी बिल्कुल ही परफेक्ट है। तो अब इसे मैं सर्व कर लूँगी। तो इस तरह से आप भी अपने घर पर इस नवरात्रि में इस खीर को ज़रूर बनाना, आपको ये खीर ज़रूर पसंद आने वाली है। ईजी एंड क्विक रेसिपी है तो इसे ट्राई करना तो बनता है। थोड़े से ड्राई फ्रूट से मैंने इसे गार्निश कर लिया है। तो ये हमारी यमी एंड डिलीशियस साबूदाना खीर बनकर रेडी हो चुकी है खाने के लिए। तो कैसे लगी आपको आज की मेरी ये रेसिपी? अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और सब्सक्राइब बटन के बाजू में जो बेल आइकन है उसे भी ज़रूर क्लिक करना। थैंक यू।